Hello kids, welcome back to your maths class. So what we have discussed in our chapter 3 video, we have discussed about one story, the clever donkey and his heavy sack. Humne first video mein story dekhi thi. Do you remember that story? Yes. And in our previous video aapne kya dekha? आपने क्या देखा? यस, आपने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देखे. सम ऑफ देम वर हैवी एंड सम ऑफ देम वर लाइट, है ना? आपने क्या सीखा था प्रीवियस वीडियो में? दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर हैवी एंड सम आर लाइट. एंड जो हैवी होते हैं उनको हमें उठाने में एफर्ट्स लगते हैं, है ना, ताकत लगती है. बट लाइट ऑब्जेक्ट आप ईजली उठा सकते हैं. ओके, और मैम ने आपको दिखाया था ना कैसे हैवी ऑब्जेक्ट को जब सीसॉ में रखते हैं तो हैवी ऑब्जेक्ट वाली साइड सीसॉ की क्या हो जाती है? नीचे, है ना. एंड लाइट ऑब्जेक्ट ऊपर उठ जाता है ना. और जब अगर हम हैवी इस साइड रखेंगे और लाइट इस साइड, तो ये नीचे चला जाएगा एंड लाइट वाला साइड ऊपर. तो आप लोगों ने क्या सीखा था? दैट हैवी ऑब्जेक्ट्स गोज डाउन व्हेन इट इज केप्ट ऑन एनी वेटिंग मशीन और सीसॉ, है ना. एंड लाइट ऑब्जेक्ट्स गोज अप. एक एग्जांपल ले लो, बर्ड. बर्ड आर लाइट देन अस, है ना. बर्ड हमसे हल्की होती है. सो बर्ड कैन फ्लाई एंड गो अप, है ना. बट वी कैन नॉट फ्लाई, है ना. सो वी आर डाउन. सो हैवी ऑब्जेक्ट्स आर डाउन बिकॉज दे आर हैवी. एंड लाइट ऑब्जेक्ट्स कैन गो अप व्हेन दे आर केप्ट ऑन एनी सीसॉ और वेटिंग मशीन. ओके, सो आपको हैवी और लाइट क्लियर है बिल्कुल? यस. नाउ टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस पेज नंबर 19. राजू वांट्स टू राइड अ सीसॉ. राजू को किसकी राइड लेनी है? सीसॉ. आप लोगों के भी पसंद है ना? यस, आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ सीसॉ में जाते होंगे, राइट? सो नाउ लुक हियर, हु इज ही? Yes, Raju. Yes, and he is sitting on this side. And Raju को सीसॉ की राइड लेनी है. अब सीसॉ की राइड में कब मज़ा आता है? जब राइड ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो, है ना. बट यहाँ पे तो Raju ऊपर उठ ही नहीं पा रहा है. क्यों? बिकॉज ऑन द अनदर साइड सम ऑब्जेक्ट इज केप्ट, है ना. Raju ने अपना बैग रखा है यहाँ पे. सो कैन यू टेल मी वाई दिस राइड दिस सीसॉ इज नॉट गोइंग डाउन? आप बता सकते हो ये नीचे क्यों नहीं आ रहा है? यस, बिकॉज बैग इज लाइट एंड Raju इज हैवी. वेरी गुड. सो लुक हियर, हैवी गोज डाउन एंड लाइट गोज अप. ओके, बट Raju वॉन्ट्स टू इंजॉय द राइड. So how he will enjoy? So who came? Rani came to help Raju. Rani aayi aur Raju ki help karne lagi. That if I will sit here then we will enjoy a ride. Okay, so dekho, Rani baith gayi and Raju abhi bhi apni jagah par hai. But again Raju is down and Rani is up. Can you tell me why? Tell me, Raju is heavy, yes, and Rani is light. Achha, students, let me tell you one thing. Aapko heavy or light to pata hai, hai na? But jab hum two things ko compare karte hain heavy or light mein, so we use word heavier. We use word heavier and lighter, है ना. जब हम दो लोगों को कंपेयर करते हैं तो हम ऐसे बोलते हैं, Raju is heavier than Rani. Okay? So यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है आपकी बुक में. Now, Raju is heavier slash lighter than Rani. Okay? तो इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है? That look at the picture and tell that Raju is heavier or lighter.
देन रानी, ओके, रानी से राजू हैवी है कि लाइट, कैसे पता चलेगा? देखिए, राजू वाला साइड सीसॉ का कहाँ है? डाउन, सो इट मीन्स राजू इज लाइटर, हल्का? नो, राजू इज हैवियर, सो यू विल टेक हैवियर, ओके? क्वेश्चंस कैसे चेक करना है, हमको फर्स्ट में देखना है किसका नाम लिखा है, किसका लिखा है? राजू का, राजू इज हैवियर और लाइटर, राजू भारी है या हल्का है, किससे? रानी से, आप बताइए, रानी से राजू हैवी है, ओके, गॉट इट? सो राजू इज हैवियर देन रानी, गॉट इट? सो नाउ व्हाट हैपन, असलम कम्स टू हेल्प देम, आप क्योंकि राजू हैवी है और रानी लाइट है, तो क्या आपको लगता है सीसॉ अच्छे से ऊपर नीचे होगा और उनको मजा आएगी? नो, ओके, सो हु केम नाउ, असलम केम, हु इज ही इज असलम, नाउ असलम केम टू हेल्प देम, असलम ने सोचा मैं आता हूँ और सीसॉ की राइड में हेल्प करता हूँ राजू और रानी को, सो नाउ असलम सिट्स ऑन रानी साइड्स, ओके, रानी इसकी साइड में असलम बैठ गए, नाउ कैन यू टेल मी हु इज हैवियर, यहाँ पे कौन हैवी है, विच साइड, दिस साइड इज हैवी एंड दिस साइड इज येस लाइट, नाउ रीड द क्वेश्चन अगेन, राजू इज हैवियर और लाइटर देन रानी एंड असलम टुगेदर, अब आप बताइए राजू यहाँ पे क्या है, हैवियर है कि लाइटर है, राजू वाली साइड देखिए ऊपर है, ऊपर मतलब वेरी गुड लाइटर, सो राजू इज लाइटर देन रानी एंड असलम टुगेदर, सो राजू यहाँ पे लाइट है एंड रानी एंड असलम दोनों एक साथ बैठ गए हैं, तो वेट इज हैवी, नाउ डू यू नो व्हाट राजू डिड, राजू सेड आई हैव एन आइडिया, लेट मी कीप माई बैग विथ मी, राजू ने क्या सोचा, अब यहाँ पे हैवी हो गया और यहाँ पे लाइट, तो मैं तो ऊपर ही रह जाऊँगा, सो ही सेड आई हैव एन आइडिया, क्यों ना मैं अपना बैग यहाँ पे अपने साथ रखूँ, ओके, सो नाउ लुक एट द पिक्चर ऑन योर बुक, क्या हुआ जब राजू अपना बैग लेके बैठ गया वहाँ पे, तो येस द सीसॉ बिकेम ये स्लैंटिंग, कोई ऊपर नहीं था और कोई नीचे नहीं था, है ना, स्लैंटिंग में नहीं थे, नाउ इट्स अ स्लीपिंग लाइन, ओके, सो नाउ दे कैन एंजॉय द राइड ईजली, अब दोनों जगह इक्वल हो गया बैलेंस, तो अब सीसॉ वो अच्छे से राइड करेंगे, सो गॉट इट, हैवी एंड लाइट, नाउ स्टूडेंट्स टर्न द पेज नंबर 20, नाउ हियर सो मेनी क्वेश्चंस आर गिवन, टेक आउट योर पेंसिल एंड सॉल्व द क्वेश्चन, लेट मी एक्सप्लेन यू कैसे सॉल्व करना है, सो टॉपिक इज हैवियर और लाइटर, आपको अब पता चल गया ना हैवियर क्या होता है एंड लाइटर क्या होता है, वेरी गुड, सो वॉट इज गिवन हियर, विच ऑफ द टू थिंग्स विल मेक द सी सॉ गो डाउन, लुक एट द एग्जाम्पल, नाउ अभी हमने देखा कि जब हैवी थिंग्स होती हैं तो सीसॉ डाउन आ जाता है, हैवी वाला साइड डाउन में आ जाता है, लाइट वाला साइड ऊपर, सो यहाँ पे आपको पिक्चर दी है, पिक्चर इज ऑफ सीसॉ एंड पिक्चर इज आस्किंग विच ऑब्जेक्ट, यहाँ पे टू ऑब्जेक्ट दिए हैं, कौन सा ऑब्जेक्ट डाउन वाली साइड में आप रखेंगे, तो वो कौन सा ऑब्जेक्ट हैवी है जो यहाँ पे रखेंगे तो सीसॉ डाउन रहेगा, ठीक है, तो कैसे करना है, लुक हियर, सपोज अ सीसॉ इज मेड लाइक दिस, ओके, आपकी बुक में एक सीसॉ की पिक्चर है जो ऐसे दी हुई है, ओके, नाउ टेल मी विच साइड इज डाउन एंड विच साइड इज अप, दिस साइड इज डाउन, ये नीचे है एंड दिस साइड इज अप, ओके, अब मैं टू बॉल्स बनाती हूँ आपके लिए, दिस इज फर्स्ट बॉल एंड दिस इज
second ball. Okay, now tell me which ball will make the seesaw go down. कौन सी बॉल हमको प्लेस करना पड़ेगा कि सीसॉ डाउन हो जाए, बताइए. इस वाली जगह पे कौन सी बॉल आएगी, ये वाली या ये वाली? डाउन. डाउन मीन्स हैवी. एंड हैवी कौन सी बॉल दिख रही है आपको? बिग वन. वेरी गुड. तो आप बताओ ये वाली बॉल कहाँ पे होगी, कौन से साइड में? दिस साइड. ओके, यू विल कीप दिस साइड बिग बॉल. यस, है ना. एंड दिस साइड स्मॉल बॉल. प्रीवियस वीडियो में मैम ने करके दिखाया था ना आपको. ओके, सो दीज क्वेश्चंस आर गिवन. नाउ लुक हियर, क्वेश्चन इज देयर, ड्रॉ अ लाइन टू मैच द हैवियर वन. आपको यहाँ पे क्या करना है, पिक्चर देखनी है. टू पिक्चर्स आर गिवन एंड यू हैव टू ड्रॉ द लाइन विच इज हैवी. ओके, हैवी वाले ऑब्जेक्ट में आपको लाइन ड्रॉ करनी है और उस लाइन को कहाँ ले जानी है, सीसॉ से मैच करनी है कि हैवी वाला साइड किस साइड में होगा सीसॉ के. ओके, जैसे मैंने अभी करके दिखाया आपको. सो हियर फर्स्ट क्वेश्चन, अ पॉट इज गिवन एंड वन बॉटल. ओके, पॉट दी है एंड वन बॉटल. नाउ टेल मी हैवियर वन को चूज करना है, तो हैवी वाला कौन सा होगा? पॉट. पॉट को तो हमने चूज कर लिया, बट आप बताइए पॉट सीसॉ के कौन से साइड पे होगा. देखिए पॉट सीसॉ में कौन से साइड पे रखा होगा कि सीसॉ ऐसा हो गया. पॉट इज हैवी, सो डाउन वाली साइड में पॉट होगा एंड अप वाली साइड में बॉटल. गॉट इट. सो यू हैव टू सॉल्व इट लाइक दिस. एंड दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज कलर द वन विच इज लाइटर. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, टू ऑब्जेक्ट्स आर गिवन हियर, यू हैव टू कलर द पिक्चर दैट इज लाइट. ओके, जो हल्की है उसमें आपको कलर करना है. गॉट इट. सो स्टूडेंट्स डू दिस होमवर्क इन पेज नंबर 20 एंड सॉल्व पेज नंबर 19 ऑल्सो. इन आर नेक्स्ट वीडियो वी विल लुक फॉर मोर कॉन्सेप्ट. टिल देन Stay tuned and do not forget to like, subscribe and share our channel. Bye-bye.